नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड 5.68 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी रैली ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्या टारगेट रह सकते हैं और कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद हमें क्या करना है। तो सारी बातें बहुत ही छोटे सी वीडियो में हम जानेंगे, आप अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, आरओई कंपनी का माइनस में है। इसके अलावा जो रिजल्ट आया कंपनी का हाल ही में, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, दिसंबर क्वार्टर में अच्छी खासी कंपनी ने अर्निंग की है और उसके बाद जून में भी अच्छी खासी अर्निंग की है, लेकिन मार्च 2021 में जो कंपनी का रिजल्ट था वो माइनस में था, प्रॉफिट नहीं हुआ था कंपनी को। और उसके बाद बात करें रिजर्व की तो कंपनी के पास 33 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन बोरोइंग भी उतनी ही है। तो ये यहाँ पर हम एक तरह से क्रॉस कर सकते हैं, जितना रिजर्व है उतनी कंपनी के पास बोरोइंग है। उसके बाद अगर आप देखोगे इस प्रमोटर की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग है वो कंटिन्यू कम की है, चाहे वो आप देखोगे जून के मुकाबले सितंबर में और दिसंबर में भी कम की है। मार्च 2021 की तुलना में भी कंपनी ने प्रमोटर्स की जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। तो ओवरव्यू अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, तो क्वार्टर फोर की अर्निंग इस स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वार्टर फोर की अर्निंग अगर अच्छी आती है तो इस स्टॉक में अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, नंबर एक पॉइंट। उसके अलावा यदि आपको होल्डिंग बनानी है तो स्टॉक के रिजल्ट काफ़ी, पिछले दो तीन क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमें क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगर और मिल जाए तो हम अच्छी पॉजिटिविटी के साथ और आगे बढ़ सकते हैं। तो कम से कम क्वार्टर फोर के रिजल्ट का आप वेट करें, उसी के बाद फ्रेश एंट्री के बारे में सोचें। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से देखें तो आप अगर कंपनी कंटिन्यू अच्छे रिजल्ट दे रही है तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएं, एक साथ इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल अपना कैपिटल नहीं लगाएं, क्योंकि पेनी स्टॉक है, जितना जल्दी जाता है उतना जल्दी आपको नीचे आता हुआ भी दिखता है। तो एक साथ अमाउंट बिल्कुल भी न लगाएं, धीरे धीरे अपना जो कैपिटल इस स्टॉक के अंदर लगाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट आप इस स्टॉक के ज़रूर फॉलो करें, आपको जो भी अपडेट होगी प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।